इसरो की विशेषता है कि वो बहुत लो कॉस्ट है एज कंपेयर टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय अदर कंट्रीज ऑन द सैटेलाइट। लो कॉस्ट में सैटेलाइट बनाता है। लॉन्चिंग पैड हमारा अपना है, उसकी भी कॉस्टिंग ये भी देखिए भारत की अपनी साइंस है, भारत की अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यदि भी भारत के आईआईटीज पढ़ने के बाद बाहर जाते हैं और बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, पर भारत स्वयं इसरो के माध्यम से ऐसे सैटेलाइट्स बनाता है जिनकी कॉस्ट बाकी विश्व के अन्य देशों की कॉस्ट से बहुत कम होती है। लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है और जो बेस्ट पार्ट है 100% एफिशिएंसी। इनके सैटेलाइट्स आपको कभी नहीं पता लगा होगा कि ये ऑर्बिट में जाके प्लेस की, वेरी सक्सेसफुल। और ये हमारे यहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी और इंडियन साइंटिस्ट का कमाल है या उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है, जिसे हमें याद करना चाहिए। एक्सपीरियंस 98 और 99 का भारत का बहुत बड़ा था और इसलिए भारत ने विश्व के अन्य देशों को अपने स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और ये पेड सर्विसेज है और ये सर्विसेज अब तक 33 कंट्रीज को दी जा चुकी हैं और 319 मिसाइल्स जो अन्य देशों के मिसाइल्स हैं भारत के अपने देश से लॉन्च किए जा चुके हैं। 100% सक्सेस। जिस ऑर्बिट में जाना है उसी ऑर्बिट में जाना है। भारत की एक और विशेषता है जिसे हम SSLV बोलते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV जैसे ही भारत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर जो नियरेस्ट अर्थ का ऑर्बिट है, अन्य कंट्रीज में ये है विशेषज्ञता नहीं, ये है स्पेशलिटी नहीं, परंतु भारत में है कि अपने ऑर्बिट जो बहुत लो वेट होते हैं, यहाँ तक कि उनका 500 kg के भी ऐसे सैटेलाइट्स हैं भारत में लॉन्च किए एंड नियरेस्ट ऑर्बिट इन भारत। ये भारत की स्पेशलिटी है। भारत के पास वो एफिशिएंसी है, वो टेक्नोलॉजी है। चूंकि ये बहुत सिक्योरिटी का विषय है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं होता और मैं आपको आज के दिन ये बताना आवश्यक समझता हूँ। PSLV 104 सैटेलाइट्स एक साथ रिकॉर्ड है भारत में PSLV रिजल्ट्स बेसिकली नियरेस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बैठे हैं इनके सामने बोलना उचित नहीं है, विद्वान लोग हैं, पर फिर भी मैं कहने की हिम्मत रखता हूँ। अभी भी भारत में अन्य देशों की तुलना में बायोटेक्नोलॉजी में सर्वाधिक कार्य है। ऐसी क्रॉप्स जिनका प्रोडक्शन लेवल धीरे 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 कम हो रहा था, भारत के वैज्ञानिकों ने इनके जीन्स में मॉडिफिकेशन करके, DNA में मॉडिफिकेशन करके प्रोडक्शन रेट बढ़ा दिया है। ये तो 100% सक्सेसफुल है। पर कुछ ऐसे भारत की क्रॉप्स हैं जैसे बैगन है और कॉटन है जो कि अभी भी बहुत पेस्ट प्रोन है। इन्होंने पेस्ट रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए DNA में चेंजेस किए हैं, इनकी जीन्स को रिप्लेस किया, चेंज किया, मॉडिफाई किया और इसीलिए बहुत सी ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम GM क्रॉप्स बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अपने एक लेक्चर से वापस आ रहे थे तब उन्होंने मेडिटेरेनियन सी में अपने वॉयज के दौरान ये मेडिटेरेनियन सी का ब्यूटीफुल ब्लू कलर देखा, जिसके कारण उनके मन में ये क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये ब्लू कलर क्यों है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पहले से लॉर्ड रेली ऑफ इंग्लैंड ने दिया था कि जो स्काई है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, उसके रिफ्लेक्शन के कारण जो सी है वो भी ब्लू अपीयर करता है।
बट सर रमन को ये बात इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने उस ना उस शिप में ही अपने उनके 10 ऑलमोस्ट 10 साल की रिसर्च के बाद रमन इफेक्ट की उन्होंने खोज की अपने अपने साथी के एस कृष्णन के साथ। रमन इफेक्ट क्या होता है वो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जब लाइट किसी भी मीडियम से पास होती है तो वो स्कैटर होती है। लाइट की स्कैटरिंग पहले से एक्सप्लेन्ड थी, पर 99% लाइट के अलावा जो 1% लाइट होता है वो अलग तरह से स्कैटर होने की ऑब्जर्वेशन सर रमन ने की और उसी खोज रमन इफेक्ट की खोज 1929 में उन्होंने की, उसी रमन स्कैटरिंग को ही उन्होंने रमन इफेक्ट नाम दिया, जिसके कारण आगे चल के लेजर बीम साइंटिस्ट जो हम देखेंगे वो है चार्ल्स डार्विन अपने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जाने जाते हैं। ये साइंटिस्ट नहीं थे पर ये साइंटिस्ट बिना पढ़े साइंस जुड़ा हुआ है। हमारे एक छात्र ने भी डिफेंस को इसमें यहाँ पर शामिल किया। मैं इसी बात में दो चीज़ें और ऐड करूँगा। हमारे भी डॉक्टर के पी सिंह सर हैं, ये भी डिफेंस से जुड़े हुए हैं, इन्हें रक्षा मंत्रालय से लेफ्टिनेंट का अवार्ड मिला हुआ है और इन्होंने आर्मी की एक छोटी सी ट्रेनिंग की है 3 मंथ का, और मैंने भी एक आर्मी की लगभग 4 मंथ का ट्रेनिंग किया हुआ है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा मुझे कैप्टन का अवार्ड मिला हुआ है। ये चीज़ें देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। सर ने थोड़ा सा जिक्र किया था कि जो कारगिल वार हुआ था उसमें GPS सिस्टम नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस नुकसान में उन्होंने ऑब्जर्व किया था 1:8 का रेशो पे भारत को नुकसान हुआ था, मतलब पाकिस्तान का एक आतंकवादी मारने के लिए हमारे 8 जवान पड़े थे। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि ऊपर में 100 लोग बैठे हैं तो हमें कार्बन का उत्सर्जन करेगा, इमिशन करेगा, वो कार्बन को इमिशन को कहीं ना कहीं उसको मिटिगेट करना होगा कि भाई इतना कार्बन अगर मैं इमिशन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं प्लांटेशन करके रोकूंगा। तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर आना चाहे कि हम कॉफी का प्लांटेशन करें और उसका जो कार्बन स्टॉक होंगे उसको कहीं से पैसा मिले तो नगरना रखना एनर्जी से देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये हमारा कैलकुलेशन है, फ्रॉम दी सिलेक्शन 8 वेराइटी ऑफ कॉफी फार्मर कैन प्रोड्यूस 78,423 रुपीज ऑफ कार्बन स्टॉक। अगर उसको अपनी फसल नहीं बेचना मार्केट में केवल उधर लगा दे वो उतना कार्बन को वो स्टॉक कर ले तो गवर्नमेंट या NPC या कोई प्राइवेट एजेंसी इतना पैसा उसको दे सकती है। दिस इज द मेथड। चेहरे पर ऐसे धब्बे नहीं दिखाई देते हैं, चीते घास के सूखे मैदानों में रहना पसंद करते हैं, तेंदुए घनी झाड़ियों में और पेड़ों में रहना पसंद करते हैं, चीते पेड़ों पर कम चढ़ते हैं, तेंदुए पेड़ों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नर चीते का वजन 54 किलोग्राम, मादा का 43 किलोग्राम होता है। नर तेंदुए का वजन